लिमिटिंग बिलीव्स की इस वीडियो सीरीज के पहले दो वीडियोस में हमने ये जाना कि लिमिटिंग बिलीव्स क्या होते हैं और कैसे वो हमारा नुकसान भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिमिटिंग बिलीव्स आते कहाँ से हैं, तो बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू बियॉन्ड द बिलीफ। जैसे कि हम समझ पा रहे हैं कि क्या है लिमिटिंग बिलीव्स और आपके मेरे लाइफ में हमारे मन में हमारे क्या लिमिटिंग बिलीव्स है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन चार चीज़ों के बारे में जिसकी वजह से लिमिटिंग बिलीव्स पैदा होता है आपके अंदर। ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं चारों में से हो, लेकिन यही चार ब्रॉडली आपके लिमिटिंग बिलीव्स को क्रिएट करता है। तो बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की, फैमिली। जी हाँ, बचपन से आज तक हम अपने फैमिली के काफ़ी क्लोज रहे हुए हैं। फैमिली में मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी नाना नानी हूसएवर इट इज़, आपकी जितनी भी बड़ी या छोटी फैमिली रही हो, आपका एज अ किड बहुत ही आपके ऊपर आपकी फैमिली का प्रभाव रहता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो उन दिनों मतलब 20 साल पहले 15 साल पहले करियर को लेकर अपनी फैमिली में कुछ विचार रहे होंगे, जैसे कि बिज़नेस करना सही बात नहीं है, जिनके घर पे सब लोग जॉब करते हैं कि जॉब ही सही होता है, बिज़नेस में तो नुकसान होता है, बिज़नेस करना सही नहीं है। तो ऐसे बच्चों के दिल में दिमाग में बैठ जाता है वही लिमिटिंग बिलीव्स कि आई एम नॉट मेड अप फॉर बिज़नेस क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। सो ऐसा हो जाता है कि चाहकर भी वो बिज़नेस में नहीं कूद पाते, वो शायद ज़िंदगी भर जॉब ही करते रह जाएंगे। इसी के चलते ऐसे कई सारे बिलीव्स होते हैं जो रिलेशनशिप्स को लेकर होते हैं, पैसे को लेकर होते हैं, जो फैमिली के तरफ से हमारे पास आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि फैमिली ने कुछ गलत सोचकर हमें ये सारी चीज़ें बताई, क्योंकि वही आगे जाकर वैल्यूज़ बन जाती है, उस फैमिली की वैल्यूज़ बन जाती है। लेकिन उन्होंने जो चीज़ बताई उनके टाइम पे सही थी, उनके हालात के हिसाब से सही थी, ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ आज भी सही हो। तो इसे हमें परखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा फैक्टर जो हमारे लिमिटिंग बिलीफ पे इम्पैक्ट करता है वो है एनवायरनमेंट, यानी कि आपका आजू बाजू का एरिया, दैट कैन बी योर घर, योर कॉलोनी और योर सिटी और एनीथिंग एल्स। एक बात हम सबको समझनी है कि हमें हमारे एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट नहीं बनना है। इसका मतलब आप लोगों ने कहीं सारे लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, जाना होगा, ऐप में से कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका फैमिली बैकग्राउंड या जिनकी सिटी या जिनका स्कूल उस फील्ड के लिए शायद पूरी तरीके से सपोर्टिव नहीं था या अच्छा नहीं था, फिर भी आप लोग या जो भी अच्छे लोग हैं वो इसमें एक्सेल कर पाए। लेकिन ऐसी जगहों की वजह से या ऐसी स्थितियों की वजह से जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है उसकी वजह से हमें अपने आप में लिमिटिंग बिलीव्स को क्रिएट होने देना नहीं चाहिए कि मैं छोटी सिटी से बिलोंग करता हूँ तो मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा, मैं छोटी स्कूल की या मैं रीजनल लैंग्वेज स्कूल की पढ़ी बड़ी हूँ तो शायद मैं उस जॉब के लिए बेहतर नहीं हूँ जहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी जो लिमिटिंग बिलीव्स होती है वो एनवायरनमेंट की वजह से क्रिएट होती है। तीसरा फैक्टर जो हमारे लिमिटिंग बिलीव्स को क्रिएट करता है वो है इवेंट्स। आपकी लाइफ में काफ़ी सारी अच्छी या बुरी घटनाएं होती रहती है और इसका जाने अनजाने आपकी थिंकिंग पर, आपकी बिलीफ सिस्टम पर इम्पैक्ट होता है। ज़रा याद कीजिए वो आपके स्कूल का दिन जहां पर आपको बहुत अच्छे से सराहा गया था, आप क्लास में पहले आए थे, आप कल्चरल इवेंट में पहले आए थे, तो आपके दिमाग में उन्हीं चीज़ों को लेकर सकारात्मक थॉट्स आते हैं। और इसी के चलते अगर स्कूल में अभी कभी आप फेल हुए हो, कोई ऐसी घटना हुई है जो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो उसको लेकर कुछ बिलीव्स मन में बन जाते हैं जो आज की डेट में, जो बचपन में शायद सही थे लेकिन आज की डेट में आपको लिमिट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो आपका प्रमोशन हुआ है या आपका प्रमोशन होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ है, या फिर आपकी मैरिज, या फिर लिटरली अ टेररिस्ट अटैक इन योर कंट्री, इन योर सोसाइटी, ऐसी सारी घटनाएं हमारे अंदर लिमिटिंग बिलीव्स को न्योता देती हैं। फोर्थ इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपके मन में लिमिटिंग बिलीव्स क्रिएट कर सकता है वो है आपके एक्सपीरियंसेस। जस्ट थिंक अबाउट दोज गुड डेज एंड ऑल्सो थिंक अबाउट बैड डेज। जब भी कभी आपके लिए ऐसा कोई एक्सपीरियंस आया है जो अच्छा नहीं है तो आपके मन में एक लिमिटिंग बिलीफ क्रिएट हो जाता है, जैसे कि मैं हमेशा कुछ अच्छा करने जाता हूँ लेकिन मेरे साथ बुरा ही होता है, मैं हमेशा ये करना चाहता हूँ लेकिन उल्टा ही हो जाता है। इस तरीके के जो बिलीफ आपके क्रिएट होते हैं ये एक्चुअल में लिमिटिंग बिलीफ्स है। ज़रा याद करिए कि अगर
आपका या आपके दोस्त का कभी भी ब्रेकअप हुआ हो, दे ट्राई टू फाइंड अ पैटर्न अराउंड दैट कि यार ये ऐसे हुआ था ना इसके लिए, तो शायद मैं कभी रिलेशनशिप में जा ही नहीं सकता, या फिर मैं पढ़ाई बिल्कुल बहुत ज़्यादा करता हूँ, बहुत पढ़ाई करता हूँ लेकिन मेरे एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आते। इस तरीके के लिमिटिंग बिलीफ्स जो धोखे से रिलेटेड है, जो फेलियर से रिलेटेड है, ये आपके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है, क्योंकि ऐसे लिमिटिंग बिलीफ्स की वजह से आप लाइफ में कभी ट्राई भी नहीं करना चाहोगे किसी चीज़ को करने के लिए, क्योंकि आपने मान लिया है कि मैं जब भी कुछ अच्छा करने जाता हूँ बुरा ही होता है। तो दोस्तों, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कौन से लिमिटिंग बिलीफ्स हैं और आपके हिसाब से वो लिमिटिंग बिलीफ्स कहाँ से आए। ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं चारों फैक्टर्स की वजह से आए होंगे, अगर कहीं और से भी आए तो हमें ज़रूर बताइए। विल बी हैप्पी टू डिस्कस दैट इन द कॉमेंट सेक्शन। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि लिमिटिंग बिलीफ्स को ओवरकम कैसे किया जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।